हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन की 0 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बनाएंगे। यह पोशाक मैंने 2 कलर की ऊन से बनाई है, क्रीम और बैंगनी कलर की ऊन से। इस पोशाक में मैंने चोली में 12 फंदे डाले हैं और घेरे में भी 12 फंदे ही डाले हैं। इसकी चोली में मैंने 3 बार जाली बनाई है। इसकी चोली को घेरे से अटैच करने से पहले एक बार कान्हा जी को पहना के देख लेते हैं। अगर वो छोटी होती है तो इसमें 2 सिलाइयाँ और निकाल लेते हैं, फिर इसे चोली से अटैच कर देते हैं। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगनी कलर की ऊन से सिलाई में 12 फंदे डाल लेते हैं और इस पोशाक की तरह ही इस घेरे में शुरू से हम पहली सिलाई से ही बनना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम 2 फंदे इसी रंग से बना लेते हैं जैसे हमने पिछले घेरे में बनाए थे। वापस इन 2 फंदों को बना लेंगे हम। फिर अगली सिलाई में हम 4 फंदे बनाएंगे जिसमें हम 2 फंदे बैंगनी रंग की ऊन से और 2 फंदे हम सफ़ेद रंग की ऊन से बनाएंगे, क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। ये हमने 2 फंदे अब क्रीम कलर की ऊन से बना लिए। वापस इन्हें वापस बना लेंगे इन्हें। ये क्रॉस करना हमको हमेशा याद रखना है। वापस से अब हम 6 फंदे बना लेंगे, 2 बैंगनी दो क्रीम कलर के और वापस से 2 बैंगनी। वापस से सिलाई में सभी फंदों को बना लेंगे। वापस से वही क्रॉस करना है हमको। अब हमारे 6 फंदे हो गए। अब वापस से हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, इससे हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। वापस से सिलाई कर लेंगे और सभी फंदों को बना लेंगे। ये क्रॉस करना है हमेशा। वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। वापस से 2 फंदे बना लेंगे हम। 8 हो गए, अब हमारे 10 हो जाएंगे। वापस से हम फंदों को सभी को बना लेते हैं। ये हमें हमेशा क्रॉस करना हमेशा याद रखना है। हम हमारे 10 फंदे बन गए। अब हमारे 12 फंदे बन जाएंगे और हमारी ये पूरी सिलाई हो जाएगी। पूरी सिलाई को निकाल लेंगे। इस तरह हमारी एक कली बन जाती है।
इस तरह हमारी एक कली बन गई। अभी ऐसे हम और कली बना के इस घेरे को पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये घेरा पूरा हो जाता है। इस घेरे में मैंने 12 कलियां निकाली, ये घेरा हमारा पूरा हो गया। चोली बनाने के लिए हम सबसे पहले सिलाई के अंदर बैंगनी कलर की ऊन से 12 फंदे डाल लेते हैं। अब हम इस सिलाई को उल्टी साइड से ही बनना शुरू करते हैं और इसी में हम जाली डालेंगे। शुरू में हम 2 फंदे आगे के बनाते हैं, फिर हम पहली जाली डालेंगे। ये हमारी पहली जाली हो गई। अब हम ये ऊन पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हमारा जाली के साथ बनेगा, ये हमारी बाजू का फंदा हो जाएगा। ये हमारे जाली के साथ बाजू का फंदा हो गया, फिर हम वापस से जाली ले जाएंगे, ये हमारी एक जाली बन गई। फिर वापस से पीछे ऊन ले जाएंगे, अब ये पीछे के हमारे 2 फंदे पीछे के बन जाएंगे, एक फंदा और ये 2 फंदे पीछे के। अब वापस से हम जाली डालेंगे पहली जाली में, फिर ये ऊन पीछे, अब ये एक फंदा हमारा बाजू का हो जाएगा। फिर हम वापस से जाली डालेंगे, ये एक जाली, अब इस जाली के साथ हम ये आगे के 2 फंदे बना लेंगे, 1 2। इस तरह हमारी पहली जाली डल जाती है सभी फंदों में। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा निकाल लेंगे। अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। अब हम इसमें क्रीम कलर की ऊन लगा लेते हैं। शुरू में हम 2 फंदे लिए थे, एक जाली का हो जाएगा, तो शुरू में हमारे 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2, और ये 3 फंदे हमारे आगे के बन गए। अब हम एक जाली डालेंगे, ये हमारी एक जाली डल गई। अब हम ये दूसरी जाली डालेंगे, एक फंदा तो हम हमारे बाजू का था, अब हमारे यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3। अब वापस से हम जाली डालेंगे, तो ये पहली जाली डल गई, अब ये पीछे वापस से ऊन ले जाएंगे। अब ये दूसरी जाली डालेंगे, तो हमने 2 फंदे बनाए थे, अब 2 के हमारे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब वापस से हम पीछे ले जाएंगे, जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, वापस से हमारी बाजू आ गई, तो हम वापस से अब पहली जाली, ये हमारी पहली जाली बन गई। अब दूसरी जाली में हम 3 फंदे जो हमारे बाजू के हो जाएंगे, 1 2, और ये 3 फंदे हमारे बाजू के। वापस से हम जाली डालेंगे, ये एक जाली बन गई, अब दूसरी जाली के साथ हमारे आगे के 3 फंदे आ गए, 1 1 2 3। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल लेंगे। अब हम बैंगनी कलर की ऊन से बनाएंगे। शुरू में अब हमारे 4 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3, ये 4 फंदे हमारे शुरू में 4 फंदे हो गए।
अब चार फंदे के बाद हम जाली डालेंगे, पहली जाली, दूसरी जाली में हमारे तीन के पांच फंदे हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे। अब हम वापस से जाली के ऊपर जाली डालेंगे तो ये हमारी जाली आ गई। वापस से पीछे ऊन ले जाएंगे तो अब हमारे पीछे हमने दो के चार, अब छह फंदे हो जाएंगे पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह फंदे। वापस से जाली डाल लेंगे हम, वापस से बाजू के हम पांच फंदे बना लेंगे। दो, तीन, चार, पांच, वापस से जाली डाल लेंगे। अभी आगे के हम चार फंदे बना लेंगे जाली डालते हुए, चार। अब वापस से हम पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेते हैं। इस तरह हम अब चोली में तीन जालियां डाल लेते हैं। तीन जालियां पूरी होने के बाद शुरू में हमारे पांच फंदे हो जाते हैं, एक जाली का फंदा हो जाता है, फिर बाजू में हमारे सात फंदे हो जाते हैं, फिर एक जाली का फंदा, एक फली वाला फंदा हो जाता है जिससे हम जाली डालते हैं दोनों तरफ, फिर पीछे की तरफ आठ फंदे हो जाते हैं, फिर एक जाली का फंदा, फिर बाजू में वो सात फंदे, एक जाली कर आगे पीछे। इस तरह कुल हमारे 36 फंदे हो जाते हैं। अब हम शुरू में पांच फंदे सफ़ेद रंग की क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। इस शुरू में हमने पांच फंदे बनाए, एक, तीन, चार और ये पांच फंदे। अब हम फली के फंदे को लेते हुए आठ फंदों को हम पिन में डाल देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ फंदे हमारे पिन में बाजू के हमने डाल दिए। ये हमारे बाजू के फंदे हो गए। अब हम पीछे की तरफ से आठ फंदे तो पहले के थे और दो 10 फंदे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, दोनों तरफ की दो फली के 9 और ये 10 फंदे हमारे पीछे हो गए। अब वापस से हम आठ फंदे पिन में डाल देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ फंदे हमने पिन में डाल दिए दूसरी बाजू के। अब हम वापस से ये फंदे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा निकाल लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ थोड़ा टाइट निकाल लें। दोनों बाजू निकाल दी। अब हम इसके बाद अब इसमें एक बैंगनी कलर की एक सफ़ेद रंग की और निकालेंगे। लंबाई कम पड़ेगी तो हम एक सिलाई और निकाल लेंगे। अभी हमारी चोली पूरी हो जाती है। तो मैंने नीचे बाजू के बाद एक क्रीम कलर की एक बैंगनी क्रीम और बैंग क्रीम कलर की लाइन में बैंगनी फंदों से हमने बैंगनी ऊन से ही हमने फंदे घटा दिए। ये इधर हमने बाजू बना लिए। बाजू में मैंने एक बैंगनी तो बनी हुई थी, उसके बाद एक सफ़ेद और बैंगनी में हमने फंदे घटा दिए। इसी तरह हम ये दूसरी बाजू भी बना लेते हैं। सबसे पहले पिन में फंदे को डाल लेते हैं हम। हमारे फंदे डल गए। अब
अब हम सबसे पहले हमने बैंगनी तो बना लिए सफ़ेद क्रीम कलर की ऊन से, इसमें फंदे बना लेते हैं। वापस पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। बैंगनी कलर की ऊन लगा लेते हैं। क्रीम कलर की ऊन से ये हमने अब क्रीम कलर की ऊन से बना लेंगे, फिर बैंगनी में फंदे घटा देंगे। अब हम बैंगनी कलर की ऊन में एक सिलाई बना के दूसरी सिलाई में हम फंदे घटा देंगे। बैंगनी कलर की ऊन से हम फंदे घटाएंगे। तब अभी तक तो हमने सभी सिलाई उल्टी बनाई थी, अब इस सिलाई को हम घटाने के लिए हम सीधी बनाएंगे। ये सीधा बना के इसको एक दूसरे पे सिर्फ फंदे को उतार लेंगे। इस तरह हमारी ये चोली पूरी हो जाती है। ये हमारी बाल गोपाल की ये चोली पूरी हो जाती है। और हम इसे एक बार बाल गोपाल को पहना के देख लेते हैं, अगर हमको सही लगती है तो ठीक है, अगर छोटी पड़ती है तो एक दो सिलाई और निकाल लेंगे हम। अब हम इसे घेरे से अटैच कर देंगे, जैसे हमने इस वाली पोशाक को अटैच किया है वैसे इसे हम अटैच कर लेते हैं। अभी हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई, हमने चोली को घेरे से अटैच कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।